बिहार देश में होने वाले राजनीतिक बदलाव का हमेशा अगुआ रहा है। बात चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ उठे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की हो या देश भर में भाजपा की जीत के रथ को रोकने की। भाजपा के 2019 के अभियान में भी बिहार ही भाजपा को सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है और यही कारण है कि भाजपा बिहार में RJD और JDU गठबंधन को लगातार अस्थिर करने में जुटी है। वर्तमान में बिहार में गठबंधन की स्थिति काफी नाजुक नजर आ रही है, जो भाजपा के लिए सबसे लाभकारी स्थिति होगी। राजनीतिक दावपेच दोनों तरफ से चल रहे हैं। गठबंधन के दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा दबाव बनाए हुए है और मीडिया लगातार ट्रायल में लगा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिन देश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जो बताएंगे कि विपक्ष की एकता बनी रहेगी या भाजपा उसमें दरार डालने में सफल हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो साल 2019 में विपक्ष के बीच होने वाली एकता धूमिल पड़ जाएगी। हालांकि RJD और JDU के इस झगड़े में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हस्तक्षेप कर रही हैं। सारा हंगामा राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप और CBI छापे के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बेटी मीसा भारती, पत्नी राबड़ी देवी के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री और बेटे तेजस्वी यादव पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर CBI और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई कार्रवाई है। अगर बिहार की राजनीति को देखें तो भाजपा लगातार लालू परिवार पर पिछले कुछ समय से हमलावर रही थी। हालांकि इस दौरान वह नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करने से बचती नजर आ रही थी, पर हाल की स्थिति में बिहार में जो राजनीतिक हालात बने हैं उससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महागठबंधन बरकरार रहेगा। अब तक की खबरों को देखें तो RJD ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर अपनी चुप्पी भले नहीं तोड़ रहे, लेकिन उनके दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट यह बताने की कोशिश कर रही है कि अगर तेजस्वी यादव सरकार से बायकॉट करते हैं तो महागठबंधन का बिखराव तय है। लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ इतना जल्द होने वाला नहीं है। JDU ऐसा कोई भी संकेत देना नहीं चाहता कि गठबंधन तोड़ने की पहल वह कर रहा है। तेजस्वी प्रकरण को लेकर नीतीश सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी राजनीतिक छवि सुशासन बाबू की है। उनकी पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है। वह कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा चुकी है। भाजपा चाहती है अगर महागठबंधन टूटता है तो वह आसानी से नीतीश कुमार को समर्थन दे देगी, क्योंकि वह पहले भी साथ रहे हैं। नीतीश भी फिलहाल सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वे NDA के साथ हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में UPA के साथ। इसके बाद भी नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी राजनीति भाजपा के हाथ का खिलौना बने। वह जिस तरह का दबाव महागठबंधन पर बना सकते हैं वैसा भाजपा के साथ कभी नहीं हो सकता, लिहाजा वह इस तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे उनकी सियासत पर खतरा हो। दूसरी तरफ महागठबंधन टूटने से मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण लालू और कांग्रेस की तरफ हो सकता है, क्योंकि 2019 में महागठबंधन के लिए नीतीश प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। लालू यादव ने साफ कहा है कि मुझे भाजपा और RSS के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बिहार की राजनीति में लालू की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ की पिछड़ी जातियों में उनकी अच्छी पकड़ है, जिसने महागठबंधन में नीतीश कुमार को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार गठबंधन के बाहर जाते रहे, मामला नोटबंदी का हो या GST के विरोध का, नीतीश लालू और कांग्रेस की निगाह में यह कतई साबित नहीं होने देना चाहते हैं कि महागठबंधन उनकी मजबूरी है। वह विकल्प खुला रखना चाहते हैं। 2019 के चुनाव कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह महागठबंधन बचाए रखने के लिए लालू पर दबाव भी बना सकती है। उस स्थिति में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सारे जहर पीने पड़ सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन के बिखराव से जहां बिहार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा मजबूत होगी, ऐसे में दूर की राजनीति के लिए लालू प्रसाद यादव तत्कालिक स्वार्थ से हटकर महागठबंधन की एकता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि उन पर इस गठबंधन को तोड़ने का और भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगे। ऐसे में नीतीश भी कुछ मामलों में नरमी दिखा सकते हैं, लेकिन राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। यहां कब बाजी पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि अब नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं। देखते रहिए DB Live।